श्री रामचरितमानस गान। अंगद के व्यंग्य वचन सुनकर रावण श्री राम की सेना के सभी योद्धाओं के बल और पराक्रम का उपहास करता है। हाँ, उस वानर को वो नहीं भूला जिसने लंका जलाई थी। अंगद ने कहा, तू जिसके बल की सराहना कर रहा है वो तो सुग्रीव का संदेशवाहक मात्र था, किंतु क्या सचमुच ही प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारी सोने की लंका जला डाली? तुम सच ही कहते हो कि हमारे दल में कोई भी ऐसा वीर नहीं तुमसे लड़कर जो शोभा पाए। प्रीति और वैर अपने बराबर वाले से ही करना चाहिए। तुम्हें मारना श्री राम को शोभा नहीं देता, किंतु क्षत्रिय का क्रोध बड़ा प्रबल होता है। अंगद के व्यंग्यवाणों से रावण का कलेजा जल उठा। क्रोध में उसने वानर जाति के लिए अपशब्द कहे, उनकी स्वामी भक्ति की खिल्ली उड़ाई और ये कहकर अपने बड़प्पन का परिचय दिया कि वो गुण ग्राहक है और इसी कारण वानरों की बकवास पर ध्यान नहीं देता। अंगद ने फिर व्यंग्यवाण छोड़ा, हाँ, तेरी गुण ग्राहकता मैंने हनुमान से सुनी थी। लंका दहन, अशोक वाटिका का विध्वंस और अपने पुत्र अक्षय कुमार के वध करने के बाद भी तूने इसी गुण ग्राहकता के कारण हनुमान का कोई अहित नहीं किया। फिर अपने पिता बाली के हाथों रावण को क्षमादान का स्मरण कर बोले, मैंने जगत में कई रावण होने की बात सुनी है। एक रावण तो वो था जो जब बाली को जीतने पाताल लोक गया तो बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बाली ने दया कर उसे मुक्त कराया। एक और रावण को जंतु समझ सहस्रबाहु ने पकड़ लिया था। कौतुक के लिए जब उसे घर ले आए तो पुलस्त्य ऋषि ने उसे मुक्त कराया। एक रावण वो भी था जिसे बाली ने अपनी कांख में दबा लिया था। इनमें से तू कौन सा रावण है? सत्य नगर कपि जारेउ बिनु प्रभु आय सुपाय, फिरि न गयउ सुग्रीव पहि तेहि भय रहा लुकाय। सत्य कहहि दस कंठ सब मोहि न सुनि कछु को, कौन हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह। प्रीति विरोध समान सन करि नीति असि आहि, जौ मृगपति बध में डुकनी भल की कहई कोताही। यद्यपि लघु ताराम कहू तो ही बधे बढ़ दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुनु छत्र जाति कर दोष।
रिपु की प्रति उत्तर सड़ सिंह मन काढ़त बट दस शीस हसी बोले उदस मोली तब कपि कर बड़ गुण एक जो प्रतिपालयता सुहित करई उपाय अनेक धन्य कीस जो निज प्रभु काजा जहां तह नाचै परिहरि लाजा नाची कूदी करी लोग रिझाई पति हित करै धर्म निपुनाई अंगद स्वामी भक्त तव जाति प्रभु गुण कसन कहसी एही भांति मैं गुण गाहक परम सुजाना तब कटुरटनि करूं नहीं काना कह कपि तव गुण गाहक ताई सत्य पवन सुत मोहि सुनाई बन विधंसि सुत बधिपुर जारा तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा सोई बिचारी तव प्रकृति सुहाई दस कंधर मैं की निधि ठाई देखेउ आई जो कछु कपि भाखा तुमरे लाज न रोष न माखा जो असिमति पितु खाए कीसा कहीं अस बचन हसा दस सीसा पित ही खाई खाते पुनि तो ही अब ही समुझी परा कछु मोही बाली बिमल जस भाजन जानी हतउ न तो ही अधम अभिमानी कहु रावण रावण जग केते मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते बलि ही जितन एक गए उपताला राखे हूँ बांधित सुन है साला खेल ही बालक मार ही जाए दया लागी बलि दीन छोड़ाई एक बहोर सहस भुज देखा धाई धराज में जंतु बिसेखा कौतुक लागी भवन ले आवा सो पुलस्ति मुनि जाई छोड़ावा एक कहत मोहि सकुच अति रहा बाली की काख इन महु रावन ते कवन सत्य बदहि तजि माख अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 310वां संगीतकार थे सतीश भाटिया।